आईपीएल में आज रात 8 बजे सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला किंग्स 11 पंजाब से होगा। यह मुकाबला राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। लगातार 2 हार के बाद मुश्किलों में घिरी पिछली चैंपियन सनराइजर्स हैदराबाद को उम्मीद होगी कि अपने घर में उसे जीत की राह पर लौटने में मदद मिलेगी। वहीं पंजाब के लिए भी यह मुकाबला काफी महत्वपूर्ण है। डेविड वार्नर की कप्तानी वाली टीम आज हैदराबाद में किंग्स 11 पंजाब के खिलाफ खेलेगी। इससे पहले सनराइजर्स ने पहले 2 मैचेस में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात लॉयंस के खिलाफ अपने घरेलू मैदान में जीत दर्ज की, लेकिन मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ अगले 2 मैचों में उन्हीं के मैदानों पर खेलते हुए टीम को हार का सामना करना पड़ा। टीम में तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार, राशिद खान, आशीष नेहरा, बेन कटिंग और मुस्तफिजुर रहमान के रूप में टीम के पास आईपीएल 10 के सबसे मजबूत आक्रमण में से एक है। टीम के पास कप्तान डेविड वार्नर, शिखर धवन के अलावा युवराज सिंह और मोइजेस हेनरी केस जैसे अच्छे ऑलराउंडर भी है। वहीं विपक्षी टीम पंजाब के पास डेविड मिलर, ग्लेन मैक्सवेल और मॉर्गन के रूप में 3 आक्रामक विदेशी बल्लेबाज हैं जो मैच का पासा अकेले दम पर पलटने में सक्षम है। टीम के पास संदीप शर्मा, मोहित शर्मा और ईशांत शर्मा जैसे विश्वसनीय गेंदबाज हैं।